Morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. Students, in the last video we have done present indefinite tense. Today we will do past indefinite tense. Past indefinite tense is used to express those actions which were done in the past time. जैसे आपको present indefinite tense में हमने बताया था कि present indefinite tense को हम use कहाँ पे करते हैं, ठीक है. उसमें हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं हम अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए और जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए. ऐसे ही हर टेंस का अपना यूज़ होता है अलग से कि उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए विच वर डन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुए थे, जो पास्ट में फिनिश हो गए, ठीक है. सी, नंबर वन, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ मूवी लास्ट फ्राइडे. अब मूवी लास्ट फ्राइडे को देखी थी, फिनिश हो गया. लास्ट फ्राइडे भी फिनिश हो गया, मूवी भी फिनिश हो गई. तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं. टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, जब एक सीरीज में फंक्शन हुए, वन बाय वन हमने कोई काम किया. फॉर एग्जांपल, आई फिनिश्ड वर्क, मैंने वर्क फिनिश किया. वॉक्ड टू द बीच, बीच पर चल के गया. एंड फाउंड अ नाइस प्लेस, और बहुत अच्छा प्लेस फाउंड मिला टू स्विम, स्विमिंग करने के लिए. अब इसमें बहुत सारे एक्शंस है ना, वर्क फिनिश किया, फिर वॉकिंग हुई, फिर उसको एक प्लेस मिला. तो जब ये सारी सीरीज ऑफ फंक्शन, ये भी फिनिश कब हुआ, पास्ट में. तो ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है. To express habits in the past, जो past की habits हैं, ठीक है. When I was young, जब मैं young था, I watched a movie, मैं एक movie देखता था every day after school, school के बाद हर दिन एक movie देखता था. तो ये past की habit है, अभी की habit तो नहीं है ना. When I was young, तो ऐसे actions को describe करने के लिए हम past indefinite tense को यूज़ करते हैं. पहले आपने लर्न करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कब यूज़ करते हैं. नंबर वन, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन. नंबर टू, टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन. नंबर थ्री, टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट. पहले आप इसको लर्न करें, फिर आपको बताएंगे कि यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है. ये तो हो गया यूज़ कब करते हैं और हम इसे यूज़ कैसे करते हैं. सी, आपको ये पता है कि कोई भी टेंस होगा तो उसमें तीन टाइप के सेंटेंसेस आप करेंगे. पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव और असर्टिव. एक आप नेगेटिव करेंगे, ठीक है, जिसमें नॉट यूज़ होगा. एक आप इंटरोगेटिव करेंगे, जिसमें आप क्वेश्चंस पुट करते हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट में इन तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे हम. हम इसको जब करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, तो थोड़ा सा हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंपेयर करते हुए करेंगे. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगा करता था. आई होप यू रिमेम्बर. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. पास्ट इंडेफिनिट में आपका सब्जेक्ट कोई भी होगा, वर्ब की फॉर्म सेकेंड यूज होगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड यूज होगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म चेंज होती थी एस या ईएस लगाने के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ कोई चेंज नहीं है. दिस इज़ वेरी ईजी कि कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कोई भी नाउन प्रोनाउन है, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी. ओके, जब हम नेगेटिव बनाएंगे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते थे तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, डू एंड डज. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज डिड. तो यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कोई भी प्रोनाउन हो आपके पास, कोई भी नाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब रहेगी डिड ऑलवेज. लर्न क्या करना है आपने इसके अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब किसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएंगे या आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप डिड का यूज़ करेंगे. और जिस सेंटेंस में डिड का यूज़ हो जाएगा
तो जो वर्ब की फॉर्म सेकंड आपको बताई गई थी पास्ट इंडेफिनिट में, वो यहाँ आके फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे ही प्लेड, शी प्लेड, वी प्लेड। ठीक है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, सेकंड नहीं लगाएंगे। ही डिड नॉट प्ले, शी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले। और जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो डिड आगे आ जाएगा, उसके बाद डिड ही प्ले एंड क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लगा लीजिएगा। तो आपने ये याद रखना है कि एक तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। और नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो होती है सेकेंड, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं या जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट। सो नाउ वी हैव डन ऑल दी स्ट्रक्चर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। नाउ वी विल सी अ फ्यू सेंटेंसेस, फ्यू एग्जाम्पल्स। आई रेड अ स्टोरी लास्ट नाइट, कल रात को वर्क हुआ था, कल रात को फिनिश हुआ, तो हमने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाई है, सेकेंड। आई रेड अ स्टोरी लास्ट नाइट। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना होगा तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट रीड। अब आप कहोगे मैम स्पेलिंग तो सेम है। हाँ, स्पेलिंग सेम रहेगा, सिर्फ बोलने का वे चेंज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म की जो हम प्रोनंसिएशन होती है दैट इज़ रीड, और जो सेकेंड फॉर्म की प्रोनंसिएशन होगी दैट इज़ रेड। I did not read a story last night. और अगर interrogative बनाना है तो did आगे आ जाएगा, did I read a story last night? अब यहाँ पे did है, यहाँ भी did है, तो हमने इसको first form में लिया read. Now he went to the party yesterday. Yesterday means कल, कल means past. कल party में गया था, function finish हो चुका है, तो अभी हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाई, सेकेंड। ही वेंट टू द पार्टी येस्टरडे। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट। अब आप देखिए कि डिड नॉट लगाने के साथ साथ हम वापस फर्स्ट फॉर्म पे आ गए। ही डिड नॉट गो टू पार्टी येस्टरडे। डिड ही गो टू पार्टी येस्टरडे? नेक्स्ट सेंटेंस, दे बेक्ड केक येस्टरडे। Yesterday, last night, last month, last year, previous night, ये सारे जो भी time adverbials होते हैं ये past को show करते हैं। So yesterday की बात हो रही है तो second form, जब negative करेंगे तो did not लगाएंगे और verb की form second से क्या कर देंगे, first कर देंगे। They did not bake cake yesterday. Interrogative बनाते हुए did आगे आएगा, did they bake cake yesterday? तो आपने क्या याद रखना है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट में तो हमें जनरली टाइम एडवर्बियल मिलता है, लास्ट नाइट, येस्टरडे या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी। और जो हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ सेकंड। कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारा, वर्ब की फॉर्म सेकंड। जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हम इंटरोगेटिव में आएंगे तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। In this way, we use past indefinite tense and in this way, we make the sentences. तो ये हमारा past indefinite finish हो गया। इसके साथ, इस वीडियो के साथ आपके पास एक exercise आएगी which you have to do. And in the next video, we will do future indefinite tense. Till then, have a good day.